हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही एक वीर थे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो महान सेनानी थे जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। आज यानी 28 जनवरी लाला लाजपत राय का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन साल 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए लाला जी के जीवन के बारे में जानें और कुछ सीखने की कोशिश करें। 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनके पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। शुरुआत से ही लाजपत राय लेखक और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज लाना चाहते थे। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के लिए इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आया वो समय जब लाला जी की लोकप्रियता से अंग्रेज भी डरने लगे। साल 1914 से 1920 तक लाला लाजपत राय को भारत आने की इजाजत नहीं दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से सैनिकों की भर्ती के वो विरोधी थे। अंग्रेजों के जीतने पर उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की कि वो गांधी जी की भारत स्वतंत्र करने की मांग स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेज सरकार जानती थी कि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि जनता उनका अनुसरण करती है। अंग्रेजों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए जब लाल को भारत नहीं आने दिया तो वो अमेरिका चले गए। वहाँ यंग इंडिया पत्रिका का उन्होंने संपादन प्रकाशन किया। न्यूयॉर्क में इंडियन इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडिया होम रूम भी स्थापित की। साल 1920 में जब वो भारत आए तब उनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वो गांधी जी के संपर्क में आए और सहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरह फैल गया और जल्द ही वो पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 30 अक्टूबर 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आयोग लाहौर आया। उनके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूरे भारत में भी इस कमीशन का विरोध हो रहा था। लाहौर में भी ऐसे ही करने का निर्णय हुआ। लाहौर महानगर बंद था। हर तरफ काले झंडे दिख रहे थे और गगनभेदी गर्जन साइमन कमीशन गो बैक इनकलाब जिंदाबाद सुनाई दे रहा था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बाल वृद्ध नर नारी हर कोई स्टेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिरंगियों की निगाह में ये देशभक्तों का गुनाह था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को वापस जाओ का नारा दिया और कमीशन का डटकर विरोध जताया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठी चार्ज किया। अपने ऊपर हुए प्रहार के बाद उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कफन साबित होगी और इस चोट ने कितने ही उद्धम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए जिनके प्रयत्नों से हमें आजादी मिली। तो दोस्तों, आपको लाला लाजपत राय के बारे में ये जानकारी सुनकर कैसी लगी और इनसे आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।